वेलकम टू मिश्रा स्टडी। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 को देखने से पहले कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर उदाहरण 13 दिया गया है और उदाहरण 14 है और एक उदाहरण लास्ट में है उदाहरण 15, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण 15 यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज उदाहरण 13 और उदाहरण 14 को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण 13 और उदाहरण 14 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सेक 1 - sin a (sec a + tan) = 1। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। और उसके बाद उदाहरण 14 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि cot a - cos a (cot a + cos a) = cos a - 1 (cos a + 1। तो चलिए ये दोनों उदाहरण को हम आज सॉल्व करेंगे। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। और चूंकि मैट्रिक बोर्ड में जो है 10th खास करके उसमें 20 मार्क्स का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो कृपया इसको देख लीजिए। तो उदाहरण 13 हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, उदाहरण 14 भी हम लिख लिए हैं। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण 13 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो उदाहरण 13 में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि sec 1 - sin a (sec a + tan a) = 1। तो पहले हम यहाँ पर LHS लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल मेरा 13 है और यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर, यानी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और LHS बराबर जो भी दिया गया है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं sec 1 - sin a (sec a + tan a), ये मैंने लिख लिया है। और इसको पढ़ने से पूर्व आप लोगों से मेरा विनती है कि आप जितना भी फॉर्मूला और सूत्र मेरे द्वारा पढ़ाया गया है कृपया करके उसको ढंग से आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के सवाल में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर sec a है, तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 cos a लिख सकते हैं। यहाँ पर sec a होगा यहाँ पर, तो sec a को लिख सकते हैं 1 cos a, और ये 1 - sin है जैसे वैसे ही इसको हम रखेंगे। तो यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार फिर sec a को चेंज कर दीजिए 1 cos a में, और tan a का स्पेशल फॉर्मूला हमने आपको बताया था sin a / cos a। तो ये हो गया हमारा। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो सिंपल हमारा वही हो जाएगा 1 - sin a / cos a, और ब्रैकेट में इसको हम रख लेते हैं, और इंटू है cos a, और cos a का एलसीएम हमारा cos a हो जाएगा। यहाँ हम cos a लिख लिए, और ये जब एलसीएम हर अगर समान हो तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो 1 + sin a हो गया। अब देखिए 1 - sin a (1 + sin a), तो फार्मूला हमारा हो गया a - b (a + b), इसका फार्मूला होता है a² - b², तो इसको हम लिखेंगे a² - 1² - b² - sin² a, और cos a मल्टीप्लाई cos a, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा cos² a। तो ये हमने लिख लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1² 1 ही हो जाएगा, और यहाँ हो गया हमारा sin² a / cos² a, और 1 - sin² θ = होता है हमारा cos² θ। थीटा के स्थान पर ये लिखेंगे, अब बटा मेरा है cos² a, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू हमारा ऑलरेडी 1 हो गया जो कि RHS हुआ। और यही हमें सिद्ध करना था कि sec a (1 - sin a), जैसा कि आप सवाल में यहाँ पर देख रहे हैं कि sec a (1 - sin a) (sec a + tan a) = 1। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग उदाहरण 14 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण 14 लिख लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण 14 में जो सवाल है पहले आप वो देख लीजिए। उदाहरण 14 में सवाल है cot a - cos a (cot a + cos a) = cos a - 1 (cos a + 1). तो इसमें LHS जो है उसको हम लिखेंगे, फिर RHS को सिद्ध कर देंगे। तो चलिए हम LHS को लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा उदाहरण 14 है cot a - cos a (cot a + cos a), ये मैंने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको एक स्पेशल फार्मूला मैंने बताया था, तो वो इसका उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो cot a का फार्मूला होता है cos a / sin a, और ये जैसे है वैसे हम रखेंगे इसको, रहने देंगे। तो cos a मेरा ऐसे ही रह गया, और cot a का फिर यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे cos a / sin a, और ये फिर जैसे है वैसे रहने देंगे cos a। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि cos दोनों में है, तो cos क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें यदि आपको रास्ता पता है तो आप रास्ता पर पहुंचकर अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं चलकर, लेकिन अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए फार्मूला वगैरह सब पूर्णतया जो है कंप्लीट कर लीजिए।
तो चलिए कॉस ए पहले कॉमन ले लेते हैं इसमें हम, तो कॉस ए यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, तो कॉस दोनों में था तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा वन, वन बाय हमारा हो गया ये साइन ए, यहाँ हो गया माइनस वन। इसी प्रकार नीचे भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉस ए कॉमन ले लिए और यहाँ बचा हमारा वन बटे साइन ए और ये प्लस वन हो जाएगा, चूँकि कॉस ए गुना वन, तो कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए गुना माइनस वन तो माइनस कॉस ए। इसी प्रकार नीचे कॉस ए गुना वन तो कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए गुना वन तो यहाँ प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कॉस ए कट गया, नहीं कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसको हम देख लेते हैं। तो वन बटा साइन ए का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कॉस ए के माइनस वन अब बाय वन बटे साइन ए, दैट मीन्स कॉस ए के और ये हो जाएगा प्लस वन। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिद्ध करना हमको यही था। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस ए के माइनस वन बटे बटे कॉस ए के प्लस वन, ये सिद्ध करना था हमको। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे एल एच एस बराबर आर एच एस। इस तरह से हमने उदाहरण 13 और उदाहरण 14 को सॉल्व कर दिया है। यदि फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ, ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण 15 को सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 8.4 को देखेंगे। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको तमाम तरह की समस्याओं का हल मिल सके। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।